बच्चा प्रोटेस्ट करे या अपनी तैयारी करे, हमको ऐसी परेशानी में क्या यही रामराज है? यही हम लोग, यही ईमानदारी है? सबसे बड़ा राम तो ईमानदारी के लिए सीता को छोड़ दिए थे। एक लोक अपवाद के चलते योगी जी को कहते हैं, इतनी बड़ी शिकायत है, लोग यहाँ पे धरने पे आए, तुरंत भर्ती को निरस्त करिए, तब तक हम लोग, तब न्याय होगा जाकर के। अगर एग्जाम निरस्त नहीं होता तो नौकरी से बेईमान लोग पाएंगे। पूरा फिजिकल कराने के बाद 11 से 12 लाख। अच्छा, इस तरीके से आते थे काम? हम लोगों ने सोचा कि निष्पक्ष तरीके से होगा पेपर, लेकिन जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। पेपर गली गली में बटाया सर, 100-100, 200-200 रुपए में। मुख्यमंत्री तो भाई ईमानदार है, कोई मुख्यमंत्री ये नहीं चाहेगा कि मेरी सरकार बदनाम हो, लेकिन उसके मंत्री विधायक अपने क्षेत्र के लोगों को, रिश्तेदारों को, बड़े अधिकारी ये सब सीटों को खरीदे हैं और पैसे पर खरीद कर रखे हैं। कोई भी ऐसा एग्जाम बताइए यहाँ का यूपी का कि जो लीक नहीं हो रहा है सर, सभी लीक होते चले जा रहे हैं, चाहे यूपीएसआई का हो, वो बच्चे प्रोटेस्ट किए उनका कुछ नहीं हुआ, लेखपाल में एसटीएफ ने बताया था कि 15,000 जो है कि संदिग्ध है, उनका कुछ नहीं हुआ, तो सर हम लोग कैसे मान लें कि सरकार अगर हमको समय दे रही तो वो कर देगी? राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने 17 और 18 तारीख को इस परीक्षा में अपना योगदान दिया था, या यूं कहें जो परीक्षा दी थी, वो छात्र राजधानी लखनऊ के इको गार्डन पहुंचे हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ मांग है और क्या कुछ कहना है उनका। भैया कहां से आए हैं, क्या कुछ मांग है और किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? हम तो सर बलिया से आए हैं, मजबूरी में हम लोग इतनी दूरी तय करके आए हैं सर, और यही मांग है भर्ती बोर्ड और सरकार से कि आप इस परीक्षा को जो है निरस्त करिए, दोबारा जो है री एग्जाम कराइए, ताकि बच्चों को न्याय मिल सके। जो बच्चे आज 7-7, 8-8 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो गरीब के बच्चे हैं, और यदि आपने निरस्त नहीं किया तो उनका जो दुख है वो आप पर पड़ेगा और आपको सामने पता चल जाएगा, बहुत बड़ा पछतावा होगा आपको। अच्छा, जो परीक्षा हुई उसमें तमाम तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिली, अव्यवस्थाओं का भी छात्रों को सामना करना पड़ा, ऐसे में परीक्षा रद्द करना सही विकल्प होगा आपके नज़रिए से? किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, जैसे यूपी बोर्ड का पेपर होता है उससे भी बदतर व्यवस्था हमारे तरफ, हमारे ज़िले में जहाँ यूपी बोर्ड का कैंसिल है वहाँ पर परीक्षाएं नहीं होती, वहाँ पर पुलिस का सेंटर बनाया गया था। हम लोग खुद सोच कर हैरान थे कि आखिरकार यहाँ पे सिक्योरिटी सुरक्षा कैसे मिल पाएगी, पेपर क्यों नहीं आउट हो जाएंगे। हमारे पास में एक थर्ड डिग्री का ले साथ साथ 8-8 लाख में वो MR सीट भरने के लिए वहाँ पर पैसा ले रहे थे सर, क्या बताएं आपको। अब इतना बड़ी धांधली हुई है वहाँ पे सर। जानकारी कैसे हुई आपको कि पेपर लीक हुआ है? पहले जब परीक्षा के पहले 2 घंटे पहले व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर जो है कि पेपर आ चुके थे सर। अच्छा। हाँ, लिख करके कार्बन कॉपी पूरे पेपरों की आ गई थी और सबके बच्चों पर व्हाट्सएप पर, यदि कोई बच्चा 4 लाख देकर पेपर खरीदा था तो अपना पैसा निकालने के लिए सब पर भेजता गया, 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार में ऐसे करके सर, और पूरा पेपर फैल गया, वायरल हो गया पेपर सर। ये समझ लीजिए जो पैसा भी नहीं दिया था उसके पास भी 2-2, 3-3, 4-4 घंटे फ्री में मिल गया था सर। अगर सर पूरा पेपर लीक, आरओ का भी पेपर लीक हो गया, वो 11 तारीख से बच्चे परेशान हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, हमारी बात नहीं सुनी, तो सरकार किसकी बात सुनेगी सर? किसान ये है कि हमारी बच्चा प्रोटेस्ट करे या अपनी तैयारी करे, हमको ऐसी परेशानी में क्या यही रामराज है? यही हम लोग, यही ईमानदारी है? सबसे बड़ा राम तो ईमानदारी के लिए सीता को छोड़ दिए थे। एक लोक अपवाद के चलते योगी जी को कहते हैं, इतनी बड़ी शिकायत है, लोग यहाँ पे धरने पे आए, तुरंत भर्ती को निरस्त करिए, तब तक हम लोग, तब न्याय होगा जाकर के। निरस्त करना सही विकल्प होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा, जब इतना ज्यादा लीक हो गया है। UPPRB ने स्वयं FIR कराई है कि 147 प्रश्न को लेकर बच्चा अंदर चला जाता है, तो कैसे नहीं मान रही है कि अभी तक हुआ नहीं, वो सिर्फ अभी कुछ दिन तो पहले का अफवाह है, अब उन्होंने कमेटी बैठा दिया। सर कोई भी ऐसा एग्जाम बताइए यहाँ का यूपी का कि जो लीक नहीं हो रहा है सर, सभी लीक होते चले जा रहे हैं, चाहे UPSI का हो, वो बच्चे प्रोटेस्ट किए उनका कुछ नहीं हुआ, लेखपाल में एसटीएफ ने बताया था कि 15,000 जो है कि संदिग्ध है उनका कुछ नहीं हुआ, तो सर हम लोग कैसे मान लें कि सरकार अगर हमको समय दे रही तो वो कर देगी? आने वाले उम्मीद नहीं है। अभी कंप्यूटर ऑपरेटर और ASI की दोनों वैकेंसी है जो है कि उसके पद कम है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, वो अभी पक्का जो है कि जो है लीक होगा, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देगा सर। सरकार तो पूरी पारदर्शिता के साथ पेपर करवाने की बात कह रही थी ना, दोनों अंतर है सर। यही समझ लीजिए सर, जिस कंपनी जिस एजेंसी को दिया जाता है, अलग अलग जगह राज्यों में वो बैन है सर, तो कैसे दिया जा रहा है? जब TCS वगैरह केंद्र में क्यों नहीं लीक हो रहा सर? क्योंकि वो पैसा लेते हैं सर, और ये सब पैसा बता के सरकारें अलग अलग जगह प्रयोग करती, हम लोग युवाओं को ध्यान नहीं देगा तो कौन देगा सर? युवाओं और किसान, सरकार कहती कि ये हमारा देश युवाओं का देश है और किसानों का देश है, जब किसान और युवाओं को आप परेशान करोगे तो कैसे काम चलेगा सर? सेंटर कहाँ गया था आपका? सेंटर कहाँ?
सबसे बड़ी बात यह है ना, ऐसा सर लीक होता है जहाँ यूपी बोर्ड सर गांव गांव में ऐसे ऐसे जगह गया था जहाँ यूपी बोर्ड हमेशा जो है लीक हो जाता है। एक बात मेन ये है, अगर एग्जाम निरस्त नहीं होता तो नौकरी से बेईमान लोग पाएंगे, क्योंकि पढ़ने वाले 120 या 25 से ऊपर जो टॉपर लड़का है वही कर पा रहा है, बाकी 100 से 115 के बीच में है, और बेईमान जाके 140 से 145 से 142 करके आ रहे हैं, हमारा कंपटीशन होगा, कैसे लोग कंप्लीट कर पाएंगे? आप खुद बताओ, पढ़ने वाले के लिए गलत जाएगा तो सर वो गलत ही प्रयोग करेगा, हम ही लोग के ऊपर अत्याचार करेगा, अच्छा जाएगा तो हमारे बारे में अच्छा सोचेगा ना सर, तो कैसे हम लोग नहीं कहता कि हम चोर हैं, भर्ती बोर्ड तो कहेगा नहीं कि लीक है, उसको इज्जत बचानी है, अपनी सरकार को सफाई पेश करनी है। हम आशा करते हैं कि जोगी जी इन बच्चों की बात को सुनेंगे और तुरंत तत्काल प्रभाव से परीक्षा को निरस्त करने का कार्य करेंगे, ताकि एक राम राज्य सही सिद्ध होगा। और हमें परीक्षा अगर निरस्त हो जाएगी तो उसके बाद अब फिर से दोबारा पेपर होगा, तो उसकी प्रक्रिया फिर समय लगेगा जो जी सर समय लगेगा वो भी हमें दिया जाएगी कब तक होगा सर। और हम चाहते हैं कि ये एजेंसी को ही रद्द किया जाए, नई एजेंसी जैसे टीसीएस जैसे कंपनियों को दिया जाए जिससे कि वो ना हो पाए सर। अभी मैं कह रहा हूँ, आपने भी एग्जाम दिया था? हमें नहीं पढ़ी, तो अच्छा कहाँ से आए? टीचर भी हूँ मैं, नीट सीबीएसई जेई सबको पढ़ाता हूँ सर। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी चीज एक संस्था से मैं एक नीट का एग्जाम दिया था एमबीबीएस के लिए, तो वहाँ पे 22 लाख बच्चे एग्जाम दिए थे, लेकिन बहुत क्लियरली आसानी से एग्जाम हो गया। तो अगर ये बढ़िया संस्था को देंगे तो हर एक चीज एक लिखित डेट पे क्लियर हो सकती है। नहीं तो ये बताइए, संस्था की अव्यवस्थाओं के चलते ये हुआ है या सरकार की विफलताओं के चलते? सर मेन वही है, सरकारी है, क्योंकि अगर सरकार टाइट, सरकार ने कुछ चीजें सही किया लेकिन अगर ये टाइट रहती तो आपको नौकरी भी समय से मिलता। सबसे बड़ी तो ये मुद्दा है ना सर, ये वैकेंसी आई है, अगर सरकार की मंशा होती तो सर पांच हर साल हम चाहते हैं हर साल हमें। इसमें मुख्यमंत्री की अव्यवस्था नहीं है, मेन मुख्यमंत्री तो भाई ईमानदार है, कोई मुख्यमंत्री ये नहीं चाहेगा कि मेरी सरकार बदनाम हो, लेकिन उसके मंत्री विधायक अपने क्षेत्र के लोगों को रिश्तेदारों को बड़े अधिकारी ये सब सीटों को खरीदे हैं और पैसे पर खरीद कर रखे हैं। तो ये कि रोजगारी देखिए कि 50 लाख लोग 60,000 की बात कर रहे हैं, लेकिन जो 47,40,000 बच्चे बचेंगे उनके लिए कौन बात कर रहा है? जो 50 यहाँ से जितने बच्चे हैं 83 बच्चे में से एक बच्चे को होगा, चाहे वो कितना बड़ा धुरंधर हो, एक जो मैथमेटिक कैलकुलेशन के हिसाब से 83 बच्चे में से एक बच्चे का होगा, बचे 82 बच्चों के लिए कौन सोच रहा है? उसमें तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। हाँ, तो आप ये कहने आए भाई री एग्जाम हो प्रॉपर तरीके से, सीधी बात है, और सभी को बताया कि पेपर लीक हुआ है, चाहे न्यूज चैनल वाले हो, चाहे कोई भी क्लास टीचर हो, चाहे कितना ही बड़ा पॉलिटिक्स, सबको बताया पेपर लीक हुआ, बट ये वो खुल के नहीं बोल पा रहे। जितने हमारे चाहते हो यहाँ पे भीड़ उपस्थित रहेगी, सभी पता जाएगा पेपर लीक हुआ है और ये पेपर री एग्जाम होकर रहेगा, ये हम सभी चाहते हैं, ठान के आए हैं, चाहे कितना भी आंसर चले, चाहे दो दिन चले, तीन दिन चले, चार दिन चले, हम तो यही कहेंगे कि री एग्जाम हो और होकर ही रहेगा, होना भी चाहिए। नौकरी पा रहे हैं ईमानदार कहाँ जाएंगे, गरीब लड़के कहाँ जाएंगे? मेहनत करने वालों को कुछ नहीं मिलेगा अगर वैकेंसी पूर्ण होती है, पूरी होती है, इसलिए ईमानदारी से नौकरी देने के लिए री एग्जाम होना चाहिए, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, चारों शिफ्टों को होना चाहिए। सरकार से यही मांग है कि री एग्जाम हो और जो कंपनी है कंपनी चेंज की जाए, टीसीएस करवाए और ऑनलाइन करवाए सभी बच्चों का, एक महीने में पेपर करवाए जिससे कि लीक होने कम चांस रहेंगे, जो ईमानदार बच्चा है पढ़ने वाला है उसी का सिलेक्शन हो, जो फर्जी में 10 मिनट पहले कोई पढ़ता भी नहीं है, 10 मिनट पहले 10 मिनट में वो आंसर की 4500 दे रहा है, और जो 5 साल से चले आते हैं। अच्छा ये बताइए, एग्जाम होने से पहले आप लोगों का दावा है कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे पेपर आ गया था, तब आप लोगों ने इसका विरोध जताया था। 17 तारीख को शाम वाली शिफ्ट का पेपर 8:36 सुबह लीक हो गया था, सुबह लोगों के फोन में आ गया था, लोगों को लगा कि ये सुबह वाली शिफ्ट का है, लेकिन वो मैच नहीं हुआ, लोगों दूसरी शिफ्ट मैच हुआ, इसी हिसाब से लड़कों को 7-8 घंटे पढ़ने के लिए मिले। 18 तारीख वाला पेपर सुबह 5:30 बजे मिल गया था, वो 8-9 घंटे लड़के रट के जा रहे हैं, कौन नहीं कहेगा? 150 करना बहुत आसान है, पढ़ने वाले कैसे कर पाएंगे सर? परीक्षा पढ़ने वाले कैसे कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोग इसमें पैसा दे चुके हैं, उनका बहुत बड़ा बड़े अधिकारी है, नेता है, इसीलिए वो चाहते हैं भर्ती बोर्ड इसीलिए बच रहा है। आप लोग के पास भी क्या कोई ऐसा ऑफर आया था क्या, जो कह रहे हैं कि पैसा दिया गया? बिल्कुल आया था हम लोगों के पास, बोले थे कि एग्जाम से पहले आपको पेपर मिल जाएगा, आप एग्जाम हॉल से निकलेंगे तो तुरंत आपको 3-4 लाख दीजिए हमको, और नहीं तो पूरे 100-150 तक पेपर बिका है सर, 4-4 फिजिकल तक, पूरा फिजिकल कराने के बाद 11-12 लाख।
अच्छा इस तरीके से आते थे कार्ड। ये भी अभी ये संदिग्ध हुआ मामला कि जब इस तरह की बातें आ रही हैं तो होने के बाद तुरंत जब पेपर के पहले जब आने लगा है व्हाट्सएप टेलीग्राम पर पूरा वायरल हो गया। इसके बाद सब लोग जान गए। हम लोग कहाँ से आए पहले तू ये बता। झांसी से आए हैं सर। सर हम लोगों से बोला गया कि 16 लाख रुपए में फाइनल हो जाएगा। 4 लाख रुपए देने होंगे आपको पेपर से पहले और आपको एग्जाम पेपर ये पेपर आपको 12 लाख रुपए देने होंगे जब आपका एग्जाम हो जाएगा। जब आपका फिजिकल होगा तब देने पड़ेंगे। बाकी हम लोगों ने यकीन नहीं किया था कि पेपर लीक होगा। लेकिन हम लोगों को यकीन होता तो कहीं ना कहीं सब लोग सोचते पेपर लेने की। कौन नहीं सोचता, कौन नौकरी लेने की नहीं सोचता, सब लोग सोचते। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि निष्पक्ष तरीके से होगा पेपर। लेकिन जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। पेपर गली गली में बटाया सर, 100-100, 200-200 रुपए में पूरी तरह बटाया पेपर। जो MLA के PA होते हैं उन्होंने अपने रिश्तेदारों को फोन कर करके बांटा है भैया ये सेकंड शिफ्ट का है, पहले का दूसरा। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि पहले का दूसरा तो बता दिया कि पेपर ABCD क्रम में है। उन्होंने तो बता दिया पहले का A, दूसरे का B, तीसरे का C, इस तरह से। और उन लोगों ने हाथ से लिखा हुआ पेपर वाले पूरे ऑब्जेक्टिव आंसर लिखा गया था कि क्वेश्चन लिखा गया उसके बाद आंसर लिखा गया, चारों ऑब्जेक्टिव लिखा गया, उसको टिक किया गया ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर इस तरह नकल होगी तो कहीं ईमानदार लड़का नौकरी जीवन में नहीं पाएगा। एक पेपर में आप देखो यूपी सब इंस्पेक्टर पेपर लिखा हुआ 21 में हम चार दिन यहाँ बैठे थे। कुछ नहीं हुआ। समय कब आएगा जब जो है पूरी तरीके से पारदर्शिता लाई जाएगी इन परीक्षाओं में। इस बार तो कह रही थी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ। हम तो सुबह में जब ज्ञापन देने जा रहे थे तब भी एक IP विक्रम सिंह थे IPS से बोल रहे हैं कि पूरी तरीके से फेयर परीक्षा हुई है। इतना बड़ा झूठ बताइए, खुद पुलिस अधिकारी बोल रहे हैं। इसका मतलब कि उनका भी कुछ ना कुछ हाथ है कहीं यार है। सिटी मॉडर्न एकेडमी में लखनऊ में जो पेपर लीक हुआ था लड़का लेकर मतलब पूरा पर्चा लेकर बैठा हुआ था और पूरा 147 क्वेश्चन किया है। बताइए उससे कौन मुकाबला करेगा? जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो नहीं कर पा रहे। बच्चे परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर रहे हैं उनके अंदर चिट निकलती है, उस पर उसके आंसर लिखे होते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं? पेपर लीक नहीं हुआ है, जब सरकार कह रही लीक नहीं हुआ तो वो आंसर कहाँ से आते हैं उसके पास? अच्छा आप लोग के अनुमान, अगर अनुमान की बात करें तो कितने लोगों ने इस तरह से पैसे दे के एग्जाम दिया होगा? लाख बच्चे सर, लाखों बच्चों तक लाख तो वैकेंसी भी नहीं है। हाँ नहीं है तब भी सर जिस ग्रुप में 20 से 30 हजार बच्चे जो है टेलीग्राम में व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं वहाँ पेपर पहुँचा है।